बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स व्यूअर्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में बहुत बिजी होंगे, इनर्जेटिक होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमाए और आप तमाम स्टूडेंट्स के बहुत ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो अभी कुछ नई अपडेट्स आई हैं तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएँ। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। फ्री में सब्सक्राइब होता है स्टूडेंट्स, इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नीचे रेड कलर का बटन है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें, एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स भी लाजमी कर दें। तो उससे पहले जो नई अपडेट्स आई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आपको बता दूँ, जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं पंजाब बोर्ड के, उनके ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपके इम्तहान जो 10th क्लास के हैं वो 4 मई से 24 मई तक होंगे। जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं पंजाब बोर्ड के, उनके इम्तहानात 25 मई से 9 जून तक होंगे। और जो 12th क्लास के इम्तहानात हैं वो 12 जून से 28 जून तक होंगे। और 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके इम्तहानात 29 जून से 14 जुलाई तक जारी रहेंगे। और इन डेट्स पे नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि आपके इम्तहानात 4 मई से मैट्रिक के इम्तहानात स्टार्ट होंगे और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके इम्तहानात 12 जून से स्टार्ट होंगे। तो आपने अब देखना है कि आपके पास टाइम कितना है और सिलेबस कितना है, स्टडी आपने करनी है, बुक्स को टाइम देना है, जो फजूल के आपके काम हैं उनको आपने साइड पे रखना है, सोशल मीडिया से बच्चों आपने दूर रहना है। स्टडी को टाइम देंगे फिर ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपको भी खुशी होगी, पेरेंट्स भी खुश, रिलेटिव भी खुश और सबसे ज़्यादा आपके टीचर को खुशी होगी। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपके अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। तो इन्हीं डेट्स के पे आपके एग्ज़ाम होंगे, इन्हीं डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी स्टडी पर बच्चों फोकस रखना है, अपने सिलेबस को कवर करना है, बुक्स को रिवाइज़ करते जाना, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आज की जो नई अपडेट्स हैं वो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं एलएलबी के, जिनके इम्तहान 2020 में हुए थे, सितंबर 2020 में एलएलबी के जो स्टूडेंट हैं उनके इम्तहान, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके इम्तहान हुए थे 2020 में, उनका रिज़ल्ट ना आ सका। तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से, फिर उनका रिज़ल्ट जारी ना किया गया। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एलएलबी के स्टूडेंट हैं जिनके इम्तहान सितंबर 2020 में हुए थे, 6 मंथ हो गए हैं, उनका रिज़ल्ट जारी नहीं हो सका, कोरोना वायरस की वजह से जारी नहीं किया गया था। अब उनका रिज़ल्ट को जारी कर दिया है। आप जो वेबसाइट है वहाँ पे अपना रिज़ल्ट जाके चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ डिटेल्स दे दी हैं, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती गई स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको इस चैनल पे बताता जाऊंगा। इस चैनल पे आपको एजुकेशन के हवाले से हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगी, अथेंटिक मिलेगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमाए। अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखा करें, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत भी किया करें। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।